गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। हमने देखा है एग्रीकल्चर कमोडिटी में लास्ट वीक एक रेंज बाउंड मूवमेंट रही, हालांकि स्पाइसेस में हमने थोड़ा वीकनेस के साथ ट्रेड होते हुए देखा। ट्रेंड जो है एग्रीकल्चर का थोड़ा डाउन रहेगा, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर नई आवक बढ़ सकती है, जिसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। जीरे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 13,900, रेजिस्टेंस 14,400। टर्मरिक में सपोर्ट 5,590, रेजिस्टेंस 5,810। वहीं अगर कोरिएंडर की बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड डाउन रहेगा, सपोर्ट 6,450, रेजिस्टेंस 6,700। अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें तो हमने हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि भाव हमने ओवरबॉट जोन में आते हुए देखे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि एक प्रॉफिट बुकिंग एडिबल ऑयल्स में देखने को मिल सकती है। सोयाबीन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 4,370, रेजिस्टेंस 4,570। आरएम सीड सपोर्ट 6,040, रेजिस्टेंस 6,280। रिफाइंड सपोर्ट 1,064, रेजिस्टेंस 1,094। CPO सपोर्ट 917, रेजिस्टेंस 941। एक्सपेक्टेड है कि एडिबल ऑयल्स में अगेन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर हायर लेवल से बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। वहीं अगर हम कपास की बात करें तो कॉटन कपास में हमने वीकली बेसिस पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आते हुए देखे हैं। मार्केट पॉजिटिव नोट पर क्लोज होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि कॉटन कपास के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। कॉटन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19,700, रेजिस्टेंस 20,500। कपास सपोर्ट 1,150, रेजिस्टेंस 1,260। कॉटन सीड ऑयल के ट्रेंड पॉजिटिव, सपोर्ट 1,970, रेजिस्टेंस 2,120। वहीं अगर हम ग्वार सीड बारगन की बात करें तो यहाँ पर भी हमने वीकली मार्केट में गिरावट देखी है और डेली बेसिस पर भी मार्केट में डाउनसाइड आते हुए देखे हैं। ग्वारगम में और ग्वार सीड में आगे ट्रेंड डाउन रह सकता है। चने के अंदर भी हमने डाउन ट्रेंड देखा है। एक्सपेक्टेड है ग्वार सीड, ग्वारगम और चने के अंदर भावों में आवक बढ़ने की वजह से भाव नीचे आ सकते हैं। ग्वारगम में सपोर्ट 6,040, रेजिस्टेंस 6,260। ग्वार सीड में सपोर्ट 3,960, रेजिस्टेंस 4,170। चने में सपोर्ट 5,150, रेजिस्टेंस 5,370। तो ग्वार सीड, ग्वारगम और चने के अंदर डाउन ट्रेंड हो सकता है। कपास के अंदर भावों में तेजी देखने को मिल सकती है और एडिबल ऑयल सोयाबीन रिफाइंड सरसों CPO में हायर लेवल से कुछ बिकवाली देखने को मिल सकती है। आशा करते हैं आपको इस कमेंट्री से जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।